हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको दिखाऊंगा जो पानी से फसलों की बर्बादी हुई है, सोयाबीन पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, तो क्या गवर्नमेंट इसकी भरपाई करेगी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, मैं अपने बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि सोयाबीन का कितना बुरा हाल हुआ है, क्या गवर्नमेंट इसकी भरपाई करेगी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, देख सकते हो आप, खेतों में किसान ज़बरदस्ती सोयाबीन को काट रहे हैं, क्योंकि काटने के लिए उसमें कुछ बचा नहीं है। ज़्यादातर घास और गीला है खेत में, फिर भी किसान अपनी मेहनत का कुछ अंश निकालना चाहते हैं, ताकि उसमें जितनी भी लागत लगी उसका आधे में से आधा मिल जाए। किसानों की दोस्तों इतनी मजबूरी हो गई कि करे तो क्या करे, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और गवर्नमेंट ने आज तक, सरकार ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है। किसानों की आय दोगुनी करने चले थे, उसके लिहाजे में किसानों की आय आधे से भी कम हो गई, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई और किसानों की इनकम बिल्कुल भी बढ़ी नहीं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो किसानों की क्या हालत हो चुकी है। दोस्तों, देख सकते हो आप क्या निकलेगा इसमें, जो 10,000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से खरीदी थी सोयाबीन, और उसका ये हाल हो चुका है। किसानों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है इस बार। इस बार क्या, हर बार सरकार बड़े बड़े जो वादे करती है, ग्राउंड पर उसका कोई एग्जीक्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। सर्वे वगैरह ना कुछ, ना कोई बीमा राशि अभी तक दी गई है बारिश में फसलों के लिए। तो किसान पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। MP में किसानों की हालत बहुत ही नाजुक हो चुकी है। सरकार किसानों की जो आय दुगनी करने चली थी, वो दुगनी क्या है, आधे से भी कम हो चुकी है और महंगाई सिर पर है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे नेताओं को पता चले किसानों का क्या हाल है MP में। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।